ओके, जो लोग आ चुके हैं उनके लिए ये आ रहा है एक्सरसाइज। जब तक ये करके बताओ। उसके बाद करेंगे अपनी जगह पर तोड़ेंगे 20 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। उसके बाद टच योर टॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं। हाथ घुमाएं 1 2 3 4 5 6 7। राइट 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। Say with me, I am good. 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 Clack, clack, clack. I am good. Okay. तो अब छोटा सा हम बैलेंस बनाएंगे। पैर का बैलेंस बनाना सीखिए। स्टैंड अप एंड सिंगल पे देखते हैं किसको किसको बैलेंस आता बनाते हैं। कौन बैलेंस बनाता है? बैलेंसिंग। ये देखो मैं तो बैलेंस बना लेता हूँ एक पैर पे। राइट राइट पे बैलेंस बना लेता हूँ। किसका किसका बैलेंस बना बताओ मुझे। वेरी गुड। ईशान ने बैलेंस बनाया। स्टाउवे ने बनाया। ईशा ने बनाया। तनिष नहीं बना पाए। बैलेंस बिगड़ा। कोई बात नहीं, बिगड़ा तो बिगड़ा, अगली बार बनाना। बॉडी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है एक्टिंग में। कभी कभी हमें क्या होता है, अपना बैलेंस होना चाहिए एक्टिंग में, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कॉम्पिटिशन। ये आपका कॉम्पिटिशन शुरू होता है तो सबसे पहले देखिए एक ऐसा कागज लाइए। सब लोग कागज और पेन लेके आइए, जल्दी जाइए, दौड़ के जाइए। 1 2 3 1 2 3 4 यशस्वी। और सब लोग कागज लेके आए, लेकिन पेन भी तो लेके आना चाहिए था। कागज और पेन, आप क्लास अटेंड करते हैं, कागज और पेन लेके आइए। वेरी गुड, सभी लोग लेके आ गए हैं। तो स्टार्ट करता हूँ, जो लोग नहीं लेके आए वो भी लेके आइए। देखिए एक कागज लीजिए, उस पर 3 कॉलम बनाइए, ऐसा कॉलम बनाइए 3। ये देखिए यहाँ भी लिखा है कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 3 कॉलम। ये देखिए यहाँ भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बोर्ड पे भी दिख रहा है कॉलम।
कागज पे भी दिख रहा है कॉलम, ये रहे तीन कॉलम। कॉलम नंबर वन में लिखिए कैरेक्टर, कॉलम नंबर वन में लिखिए कैरेक्टर, लिखिए कैरेक्टर, कॉलम नंबर वन में कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है रोल, पाथ। कॉलम नंबर टू में लिखिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखिए। कॉलम नंबर तीन में लिखिए सेटिंग, सेटिंग, सेटिंग। ओके गॉट इट। कॉलम नंबर वन में कॉलम नंबर वन कैरेक्टर या रोल, प्रॉब्लम नंबर कॉलम नंबर टू प्रॉब्लम, कॉलम नंबर तीन सेटिंग। तो भाई बच्चों मेरे ये स्क्रिप्ट है, मेरा कैरेक्टर है अ बियर, भालू, हंग्री बियर, हंग्री बियर फाइंड अ फ्लाइंग फिश, उसकी प्रॉब्लम है वो एक मछली ढूंढ रहा है। सेटिंग है एट मिडनाइट, एट मिडनाइट आधी रात में। तो कैरेक्टर है भालू, एक भूखा भालू मछली ढूंढ रहा है आधी रात में। गॉट इट, समझ में आया? कैरेक्टर भालू है, ठीक है। चित्र में भी देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो चित्र देख लीजिए, ये देखिए। A hungry beard find a flying, ये देखिए दिख रहा है, ये समझ में आ गया सबको? कैरेक्टर, प्रॉब्लम, सेटिंग। तो ये है तीन कॉलम वाली कहानी। तो ये मैंने एक कहानी बनाई कि एक भालू मछली ढूंढ रहा है आधी रात को। कैरेक्टर, प्रॉब्लम, सेटिंग, ये देखिए। कैरेक्टर मतलब पात्र, पात्र जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, जो भी जिंदा चीज। प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम के अंदर आपका इमोशन आ गया, आपका भाव आ गया, आपका वर्क आ गया, कुछ भी आ गया। सर्चिंग, सेटिंग आ गया, जगह, 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 प्लेस। सेटिंग के अंदर प्लेस, स्थान, टाइमिंग, सिचुएशन, स्थिति, सेटिंग में सब कुछ आ गया, ठीक है। कैरेक्टर में आ गया पात्र, रोल, जिंदा आदमी, जानवर, कैरेक्टर मतलब सारे रोल। प्रॉब्लम में आ गया इमोशन, 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 सर्चिंग। सेटिंग में आ गया प्लेस, 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 सिचुएशन, सिचुएशन, एनी चीज। फॉर एग्जाम्पल डॉग इज क्राइंग, डॉग क्या है? कैरेक्टर। प्रॉब्लम क्या है? इज क्राइंग। सेटिंग क्या? एट बस स्टैंड, एट हॉस्पिटल, कुत्ता रो रहा है अस्पताल के बाहर। तो ये मैंने एक कहानी बनाई, अब आप देखते हैं आप लोग कितनी कहानी बना सकते हैं। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जो सबसे ज्यादा कहानी बनाएगा वो होगा विनर। गॉट इट? आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। हमें कुछ करना है, हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, सब लोग हमें जाने पहचाने, हम हीरो बने। लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है सबसे पहले वीडियो ऑफ कर लेते। कैसे बनेंगे हीरो? जीरो। 15-minute countdown starts. Okay, stop, eight, my friend. Stop. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. तो बताइए कितने में कितनी कहानी बनाई, कितने बच्चों ने कहानी बनाई? कौन बताना चाहेगा? यस प्रणव राठी बताइए। प्रणव, प्रणव नहीं बता पा रहे आप, ठीक है। जेंटलमैन ईशान सिंह प्लीज। ऐसी कलम की बनानी है। ओके, फिर से बनाना है, फिर से बनाइए, फिर से बनाना नहीं, टॉम कंपटीशन खत्म हो चुका है। और कौन बताना, और कौन बताना चाहेगा? सर सेटिंग में हम लोग को क्या करना है? लक्ष्य बताइए। A crow finding the water. हाँ। After the in the after the known crow मतलब character, ऐसा बोलो ना, character crow, problem find the water,
अब सेटिंग बताओ, सेटिंग क्या है इसके अंदर, कहां पर, किधर, क्यों, सब कहां, क्यों, कैसे? आपने भी एक भी कहानी नहीं बनाई, ठीक है? आफ्टरनून, आफ्टरनून, ओके ठीक है। दोपहर में एक कौवा पानी ढूंढ रहा है, वेरी गुड, ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा। और अच्छे, गुड एफर्ट, गुड एफर्ट लक्ष्य, वेरी गुड। सर कैरेक्टर है शेर, प्रॉब्लम भूखा, सेटिंग है जंगल में, वेरी गुड। दूसरा कैरेक्टर अंकित, प्रॉब्लम गांव और सेटिंग गया है, कैरेक्टर कपाट और प्रॉब्लम के अंदर और सेटिंग सामान है। हाँ वेरी गुड, हिंदी में बताया आपने, इंग्लिश में तो और अच्छी बात थी, लेकिन जिस प्रकार से आपने सबके ने एक्सप्लेन किया है कि कैरेक्टर ये है, प्रॉब्लम ये है, सेटिंग ये है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बट आप इसको इंग्लिश में बनाते तो और मजा आता। नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करना, वेरी गुड, और क्लियरिटी लाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट, तीन लोगों ने ही बनाई कहानी, और कहाँ है रिद्धिमा, ईशा, ईशा क्या किया आपने लास्ट टाइम, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था, अभी क्या हो गया लास्ट टाइम में फिजिकल एक्टिविटी में, आपने अच्छा किया, आपने फिजिकल ड्रामा बनाया, माइंड ड्रामा बनाया, आपने एक्सरसाइज की, लेकिन अभी जो है जो ब्रेन को दौड़ाने वाले स्क्रिप्ट को लिखने वाले, एक एक ड्रामा के लिए, केवल एक ड्रामा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं है, उसका दिमाग भी चलना चाहिए, स्क्रिप्ट बनाने वाला जो स्क्रिप्ट बना सकता है, कहानी बना सकता है, ठीक है। सुहास हाँ बताइए। सर कैरेक्टर वाज माय लिटिल सिस्टर अनाया, प्रॉब्लम ही सर्च अ पेंसिल, सेटिंग एट होम, एट होम सिस्टर है, यस सर्चिंग, नॉट ही शी, वेरी गुड, अनाया सर्चिंग एट पेंसिल, अनाया सर्चिंग पेंसिल एट होम, वेरी गुड। एक ही बनाया आपने, कम से कम 10 कहानी बना दी छोटी छोटी, अभी इस कहानी, ये कहानियों को मैं एक्सप्लेन करने की तो बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो और कौन बताना चाहेगा बहुत ज्यादा अच्छा वाला कहानी, जिससे मुझे, मैं जिसको फर्स्ट प्राइज दे सकूं? आप प्रणव बताइए। सर कैरेक्टर है बिल्ली, प्रॉब्लम उसको उसको दूसरी बिल्ली नहीं मिल रही थी खेलने के लिए, वो रहती है रोड पर। अच्छा प्रॉब्लम बिल्ली है, उस कैरेक्टर बिल्ली है, उसको दूसरी बिल्ली नहीं मिलती, उसकी प्रॉब्लम है, वो रोड पर रहती है, ये अपने घर की प्रॉब्लम है, तुम बिल्ली हो, तुम्हें दूसरा दोस्त नहीं मिल रहा खेलने को, और तुम घर में रहते हो, तो अपनी कहानी एनिमल के ऊपर बना दिया ना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये सुनाया। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अब स्टार्ट करते हैं, कहानी मैं सुनाता हूँ, ठीक है, सिंपल कहानी है, ये देखिए, खड़ेगी खड़ेगी खड़ेगी, जंगल में एक घोड़ा रहता था, डिंगडंग 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 डिंग, वो रोज हरी हरी घास खाता था, लेकिन उसको एक शेर का डर था, हमेशा शेर से डर जाता था, उसने सोचा इस शेर का कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वहां से एक शिकारी आया, उसके पास बंदूक थी, उसे देखकर शेर डर गया और दुम दबा कर भाग गया। शिकारी बोला, ये सारी चीजें हॉर्स घोड़े ने देख ली और सोचने लगा, ये तो बहुत ताकतवर इंसान है, मुझे इसके साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। उसने बोला, अरे शिकारी भाई, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बनूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे दोस्त बन जाओगे तो शेर मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको देखा है कि आपसे शेर डर गया। हाँ क्यों नहीं डरेगा, क्योंकि मेरे पास बंदूक है जिससे मैं किसी को भी मार सकता हूँ। घोड़े और शिकारी की दोस्ती होगी, लेकिन शिकारी का ना एक शर्त पर, मैं तुम्हारी सवारी करूंगा। और शिकारी घोड़े की सवारी करता करता उसे अपने अस्त्र बल मैं जंगल से दूर ले गया। एक दिन घोड़े को
जंगल की याद आने लगी और घोड़ा सोच रहा था कि यार मैं डर से तो बच गया, मुझे शेर का डर तो नहीं है, लेकिन मेरी आजादी चली गई, मैं अब गुलामों की तरह उस शिकारी के साथ रहता हूं। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मोरल क्या निकला? कौन बताएगा ये कहानी किसको समझ में आई और इसका मोरल क्या है, बताइए। प्रणव, कहानी का मोरल क्या था? पहले तो कहानी अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, समझ में आई, शिकारी समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, जंगल समझ में आया। हाँ सर, कहानी का मतलब था अपन को अपनी हेल्प करनी चाहिए। कहानी का मतलब क्या? अपने को अपनी हेल्प करनी चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये तो ठीक है। कहानी का और दूसरा मतलब भी निकलता, और कौन बताएगा? सुहास, ठीक है बताइए। हमें कभी भी डर नहीं चाहिए, उसे काम लेना चाहिए जी। हाँ फिर से बताइए मिस ब्यूटीफुल। हमें आगे मैं आपको, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। ओके, और कोई एनीवन गेसेस? यस ईशान, हाँ सब वेटिंग वेटिंग। अपने काम से काम लेना, हमें यस सब बताइए, हमें हमारा घर चाहिए के नहीं जाना चाहिए अनजान लोगों के साथ, फिर हम बता ध्यान देना टेढ़ा मेढ़ा मत, ऐसी कहानी क्या बनूंगी। कहानी का मतलब यही था कि हमेशा हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हमें हर जगह अच्छा लगता है। सर मतलब समझा रहे हैं। हाँ, मतलब यही कि हमें किसी पर ज्यादा अच्छा देखकर, हम जहाँ पर रहते हैं हमें लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा होगा, और हम बहुत अच्छे की लालच में वहाँ चले जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं। तो हमेशा बहुत जल्दी कोई अच्छे की लालच में हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई? हमें दूसरी हमेशा दूसरे की तरफ हरियाली दिखती है, हमको लगता है वो बाहर खेल रहा है, वो मजे में है, हम घर में बैठे हम बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो रिस्क ले रहा है, हमें रिस्क नहीं लेनी है। तो वेरी गुड माय फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बहुत मजा आया। अब मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी वीडियो एक्टिंग की। आपसे छोटी बच्ची है लेकिन उसका वीडियो बहुत प्यारा है, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है और उसने मम्मी के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी बहुत प्यारा सा वीडियो बनाएं और मुझे भेजें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो ध्यान से देखिए और एंजॉय करिए और समझिए। कुछ लाइंस मेरे माँ पर बोले हैं, चलो शुरू करते हैं। वो बहुत अच्छी है और परिश्रमी है, वो बहुत सुबह उठती है और हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, और तब मैं उठ जाती हूँ, मम्मा जी खिलाती है और स्कूल के लिए तैयार करती है।
कैसा लगा वीडियो? आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं, छोटा सा एक्टिंग का, और वीडियो सेंड कर सकते हैं, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन मम्मी क्यों, मम्मी से लड़ाई नहीं करना है, वो है क्रॉस, गला, क्रॉस और राइट, दोनों चीज का ध्यान रखना। ओके बाय, आपको कैसा लगा? बाय बाय सर, है ना, नेक्स्ट टाइम। बाय बाय सर, नेक्स्ट टाइम आपको बाय बाय सर, बाय बाय सर, बाय माय फ्रेंड, बाय सर, बाय बाय सर, बाय बाय सर, बाय सर।